आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपने मंच पे विराजमान हम सब के मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक बल्कि कहें वरिष्ठतम प्रचारकों में से एक और विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्री यतीन जी भाई साहब का स्वागत करता हूं। हम लोगों को बहुत खुशी है कि आपका आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हो रहा है। यतीन जी भाई साहब के बगल में आज के मुख्य अतिथि लखनऊ के जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश जी हैं। लखनऊ बहुत ही चैलेंजिंग जिला होता है, पूरा प्रदेश का सब सारा तंत्र मैनेज करना होता है, तो जिलाधिकारी लखनऊ के पास कुछ मिनटों का समय निकला है यही बहुत होता है। थोड़ा सा परिचय मैं इसलिए भी देना चाहूँगा कि व्यक्तित्व परिलक्षित होता है पूर्व से। अभिषेक प्रकाश जी का जन्म मूल स्थान सिवान जिले में, बिहार के सिवान जिले में है, और आप लोग ये सुनकर गौरवान्वित होंगे कि आपका गांव और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का गांव एक ही है। आपके बाबा जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ लगभग 10 वर्ष तक सलाहकार की भूमिका में रहे। पांचजन्य पत्रिका के लिए अनेक वर्षों तक, लगभग 8-10 वर्षों तक लिखते रहे। वर्तमान में 98 वर्ष की उनकी आयु है, ईश्वर उन्हें सतायु करे ऐसी हम सब लोगों की कामना है। उनके दाहिने तरफ डॉक्टर संदीप तिवारी जी हैं। डॉक्टर संदीप तिवारी जी वर्तमान में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा के हेड हैं। ट्रॉमा सेंटर कितना ज़बरदस्त सेवा मांगता है ये हम लोगों ने तब देखा जब विद्या भारती ने कोरोना का एक क्वारंटाइन सेंटर वहाँ संचालित किया। चार चार दिन, पाँच पाँच दिन तक डॉक्टर साहब वहीं रहते थे, एक बेड पर सो गए फिर चालू हो गए, पाँच पाँच दिन तक घर नहीं जा सकते थे, खुद कोरोना संक्रमित हुए, परिवार भी उससे संक्रमित हुआ, लेकिन सेवा नहीं छोड़ी। आपने MBBS, MD सब कुछ यहीं से किया हुआ है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मुख्य अतिथि महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अभी आपने ऊपर जो भ्रमण किया वो केंद्र रज्जू भैया के नाम पर रखा गया। कोरोना के दौरान ही इसका हम लोगों ने पूरा विकास किया। इसमें जो ऐप हमने डेवलप किया ये पूर्ण स्वदेशी ऐप है। विद्या भारती LMS के नाम से इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके संचालित किया जा सकता है। हमने अपने विद्यार्थियों के लिए इसे बनाया है। इसमें विद्यार्थियों को यूजर ID पासवर्ड और साथ में उनके माँ बाप के लिए भी यूजर ID पासवर्ड है। सारे विद्यालय हमारे इससे जुड़े हुए हैं, अटेंडेंस से लेके सारे तरह की पढ़ाई इस ऐप के माध्यम से हो रही है। वास्तव में ये वर्चुअल स्कूल ऐप है। ज़्यादातर या अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा विद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है जिसने अपना ऐप 100% विदाउट एनी एक्सटर्नल प्लगइन्स लॉन्च किया हो। विद्या भारती का ये सौभाग्य है कि ये पूर्णतः स्वदेशी है। इसका एक सर्वर पुणे में, एक सर्वर जयपुर में है, कहीं बाहर हमने डेटा स्टोर नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारे डेटा की एसेस सिर्फ वही कर सकता है जिसको हमने यूजर ID पासवर्ड देके अलाउ किया है। आपके सामने जो आचार्य बैठे हुए हैं ये काशी प्रांत के हैं। हमारे चारों प्रांतों के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों को हम लोग इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, और इन सर्वश्रेष्ठ आचार्यों के माध्यम से हम फर्स्ट लेयर टीचिंग कर रहे हैं। फर्स्ट लेयर टीचिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट जिस समय होता है उस समय विद्यालयों के आचार्य भी इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पढ़ रहे होते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं। उसके बाद ब्रॉडकास्ट खत्म होने पे वो आचार्य बच्चों को होमवर्क देते हैं, नोट्स भेजते हैं, पॉइंट टू रिमेम्बर भेजते हैं, और उस लेसन से संबंधित जो भी प्रश्न विगत 3-4 वर्षों में पूछे गए उनको भी भेजते हैं।
हम लोग बैक एंड पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि स्टूडेंट होमवर्क सही समय पे सबमिट कर रहे हैं, अगर वो किसी तरह की क्वेरी कर रहे हैं, हर स्टूडेंट को क्वेरी का ऑप्शन है, क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन है और अपने डाउट क्लियर करने का डाउट फोरम भी है। आईआईटीएंस की और एकेडमिशियंस की फैकल्टी है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम सारे बच्चों को फिर से कनेक्ट करते हैं। तो थ्री टीयर टीचिंग हमारी हो रही है, फर्स्ट ईयर में यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, सेकंड ईयर में विद्यालय के आचार्य पढ़ा रहे हैं, सेकंड ईयर में ही अगर डाउट ज़्यादा आ गए तो दूसरे आचार्य भी पढ़ा रहे हैं, और थर्ड ईयर में हम आईआईटी की फैकल्टी या एकेडमिशियंस की फैकल्टी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो स्पेशल फैकल्टी है उसके माध्यम से हम लोगों ने कोरोना काल में जो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखा कि बच्चे बाहर के शहरों में कोचिंग या हायर एजुकेशन के नाम पे फंस गए थे, करोड़ों बच्चे ऐसे थे जो अलग शहरों में फंसे हुए थे, माँ बाप परेशान थे, उसी समय विद्या भारती ने ये मन बनाया कि हम वही क्वालिटी एजुकेशन जो कोटा, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर सब जगह दी जा रही है, वो क्वालिटी एजुकेशन हम अपने हर बच्चे को उसके घर पे देंगे, जिससे बच्चों को भविष्य में कोटा, दिल्ली, बम्बई न जाना पड़े, अपने घर का अच्छा खाना मिले, माँ बाप का प्रेम मिले और अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले। इसलिए हम लोगों ने देश की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी को इसमें लिया, विद्या प्रबोधन के नाम से इस सिस्टम में हमने वो सारी फैकल्टी ली जो 15 से 20 वर्ष से के अनुभव वाली है और जिनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक इंजीनियर, डॉक्टर, तरह तरह के और कोर्सेज, हम लोग 6th, 7th, 8th, 9th, 10th का फाउंडेशन कोर्स भी उसमें चला रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चे NTSC, ओलंपियाड, NDA सारे तरह के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और सफल होंगे। मुख्य अतिथि महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वैसे भी हमारे बच्चों का सफलता का परसेंटेज बहुत अच्छा है, पूरे देश की शिक्षा में हम लगभग 2% हैं, अर्थात अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 2 बच्चे विद्या भारती के होते हैं, लेकिन मेरिट में प्रायः हम लोग 15 से 20% आते हैं, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में SGFI में हम लोगों को अलग मान्यता है, एक प्रदेश की मान्यता है, और उसमें हम लोग 25 से 30% मेडल जीतते हैं। इसलिए विद्या भारती के उन बच्चों को जो वास्तव में पहले से ही सफल रहे और अधिक सफल करने के प्रयास में हम लोगों का ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। आपने भ्रमण किया, इसके लिए धन्यवाद। आपने मार्गदर्शन भी किया, हम आपके मार्गदर्शन के अनुसार प्रांत स्तर पे छोटे स्टूडियो एक एक बनाने का प्रयास करेंगे, और जो आपने हम लोगों को जानकारी दी तो ग्राउंड से फीडबैक लाके फिर हम लोग सेंट्रलाइज उसको पूरा एडिट करके और क्वालिटेटिव बना के रिले करने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एक सफल और यशस्वी जिलाधिकारी श्री शेख प्रकाश जी हमारे मंच पर हैं मुख्य अतिथि के नाते। हम सब अनुभव कर रहे थे लखनऊ का कोरोना ख़त्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब शेख जी के आने के बाद सब ने राहत की सांस ली है। मैं श्री उमाशंकर जी मिश्र, जो हमारी बालिका शिक्षा के क्षेत्र प्रभारी हैं, उनसे आग्रह करता हूँ श्री अभिषेक प्रकाश जी को सम्मानित करें। ये वर्ग जैसा बताया गया पिछले 5 दिनों से चल रहा है, ये इसकी समापन बेला है। हमारे 36 आचार्य बंधु और एक उनके प्रबंधन में लगे प्रधानाचार्य पिछले 5-6 दिनों से हम सबके साथ हैं। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर और रात में 12:30 बजे तक इन लोगों ने डिजिटल लर्निंग के लिए जो जो भी उपादान होते हैं उसके लिए अच्छी प्रभावी PPT तैयार करना, प्रभावी शिक्षण लेना और अपने क्लास टीचिंग को रिकॉर्ड कराना, रात में 12:30 बजे तक ये काम हुआ हमारे LMS के कार्यकर्ताओं के माध्यम से।
विशेषज्ञों के माध्यम से। अनेक के मन में बहुत अच्छे अनुभव हैं, परंतु समय कम होने के कारण ऐसे दो तीन बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं कि अपना अनुभव कहें। सबसे प्रथम भय पीपीटी बनाने का था, लेकिन उसको इतने सलीके से यहां बताया गया, बड़ी सराहनीय तरीके से, कि ऐसा लगा कि उसको सीखने में कोई कठिनाई ही नहीं हुई। इतने दिनों में हम लोगों ने जो सीखा, मैं तो अनुभव करता हूं कि इस वैश्विक महामारी में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यह अगर कारगर साबित हो गई तो जो वर्तमान में भौतिक सुख सुविधा से लैस विद्यालय हैं विद्या भारती के अलावा, हम उनके साथ अब उनसे आगे भी निकल सकते हैं। ऐसा यह अपना जो विद्या भारती संगठन जो है LMS ऐप चालू किया है, निश्चित रूप से यह प्रभावी है और सीखने को भी मिला है। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में मेरे जो अनुभव रहे उसके अनुसार अन्य भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न विद्यालयों के समकक्ष हमारा विद्या भारती विद्यालय अपने उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुँचेगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में जो हम लोगों ने अभी तक केवल व्हाट्सएप पर भेज देना, गूगल मीट द्वारा, जूम द्वारा टीचिंग कर लेना, यही प्रयोग किए थे। इसके पहले, इस कोरोना काल के पहले इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ था। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो PPT कैसे बनाई जाती है, पहले तो यही नहीं पता था कि PPT क्या होती है। PPT पता हुआ कैसे बनती है, स्लाइड द्वारा कैसे टीचिंग की जाती है, इसका प्रशिक्षण मिला हम लोगों को। इस कार्य में लगे हुए सभी बंधु का कार्य बहुत सराहनीय रहा, धन्यवाद। ये जो सिखाने वाली टीम थी, पूरे पेशेंस के साथ बिना इरिटेट हुए ये लगे रहे 10-11 बजे रात तक, 12 बजे रात भी। अगर किसी ने कहा कि भाई मुझे मेरी PPT नहीं तैयार है, मुझे रिकॉर्डिंग करवा दीजिए या मुझे ब्लैक बोर्ड प्रैक्टिस करा दीजिए, अब स्मार्ट ब्लैक बोर्ड पर कभी किसी ने पढ़ाया नहीं था, मैंने तो कभी नहीं ऐसा अनुभव किया था, तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। मेरा व्यक्तिगत विकास भी हुआ और अब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। हम सबका सौभाग्य है कि वर्तमान की अत्यधिक व्यस्तता में से भी अपना समय निकालकर हमारे जिलाधिकारी आदरणीय अभिषेक प्रकाश जी हम सबके बीच हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ आज के अवसर पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय जिलाधिकारी जी, आज के इस अत्यंत ही पावन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय यतीन जी भाई साहब, डॉक्टर संदीप जी, ऑल जी भाई साहब, सम्मानित प्राचार्यगण और विशेष रूप से काशी प्रांत क्षेत्र के आए हुए समस्त सम्मानित शिक्षागण, गुरुगण, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने आने की, मैं तो अनुमति कहूँगा, दी। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो कि किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पावर करता है, इससे बड़ा कोई अलंकार नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति के जीवन में। और बदलते हुए समय के साथ जिस प्रकार से आज पूरे देश में सबसे बड़ी शिक्षण संस्था विद्या भारती है, 14,000 से ऊपर के चलित स्कूल विद्यालय जो डायरेक्ट चल रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1200 से ज़्यादा की संख्या में अपने विद्यालय संचालित हैं चारों प्रांतों में अगर आप देखें तो। इसके साथ ही साथ लाखों की संख्या में वैसे छात्र छात्रा जो कुछ समय तक संस्थाओं से पढ़ते हैं, कतिपय कारणों से उन्हें दूसरी संस्थाओं में जाना पड़ता है, कोई किसी के माता पिता ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, ट्रांसफ़र हो जा रहा है, बोर्डिंग स्कूल चले गए, दूसरी जगह चले गए उच्च शिक्षा लेने हुए, लेकिन जो बेस बनता है
जो न्यू दी जाती है विद्या भारती के द्वारा, वो शिशु मंदिर के माध्यम से हो, देवी के माध्यम से हो, वो जीवन पर्यंत कायम रहता है, रहता है। आज जिस प्रकार से मैं वही एक चीज़ भाई साहब से कह रहा था, संदीप जी भाई साहब से, कि कोरोना काल खंड ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया, जो कि शायद प्रत्यक्ष रूप से हम लोग नहीं कर रहे थे पहले पूर्व में, अब हमने करना प्रारंभ किया, उस दिशा में हम लोग अग्रतर हैं। वर्चुअल वर्ल्ड, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वर्चुअल वर्ल्ड। पाश्चात्य देशों की ओर अगर आप देखें, मुझे 2001 में पहली बार मौका मिला बाहर जाने का, वेस्टर्न कंट्री मैं गया, स्वीडन। एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था जो IIT चलाती है, IIT रुड़की से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में स्नातक किया, BTech किया। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मुझे जाने का मौका मिला स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, 2 महीने मैं वहाँ रहा। 2001 में लगभग 20 साल हो गए, 2 दशक हो गए, वो वर्चुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी थे। नए शताब्दी के प्रारंभ होने के साथ साथ उन्होंने अपने हर क्षेत्र में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था, और सबसे बड़ा उनका ट्रांसफॉर्मेशन था वर्चुअल कनेक्टिविटी, 0 फिजिकल मूवमेंट, उन्होंने उसको ये नाम दिया था। मतलब 100% हम वर्चुअली कनेक्टेड रहें और फिजिकल मूवमेंट 0 रहे, जो जिस स्थान पर है उसी स्थान पर इस प्रकार की इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, जैसे कि वो कोई व्यक्ति काशी में होते हुए लखनऊ भी हो सकता है, लखनऊ होते हुए कानपुर भी हो सकता है, और कानपुर होते हुए दिल्ली भी हो सकता है। इस प्रकार की उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी तब से बनाई थी। और साथ ही साथ उन्होंने एक और मुझे बड़ी चीज़ समझ में आई थी उस वक्त, आप क्या जानते हैं बहुत आवश्यक है, लेकिन आप के माध्यम से क्या दूसरों तक पहुँच रहा है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको ये मैनेजमेंट टर्म्स में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कही जाती है, जिसका सबसे बेहतर उदाहरण अमेरिका है, US दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को लेकर के ही मार्केटिंग कर दे रहा है, चाइना भी करता रहता है। हमारे पास ज्ञान का अद्वितीय भंडार है, आप सब गुरुजनों के पास है, लेकिन 2%, अभी जैसा आपने बताया मुझे भाई साहब ने, कि 2% बच्चे छात्र छात्राएं हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, क्या इसको हम 10% पे पहुँचा सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाने के लिए हमें 5 गुना ज़्यादा विद्यालय फिजिकली खोलने पड़ेंगे, सभी संसाधन जुड़ाने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम वर्चुअल मीन्स के माध्यम से उन्हें जोड़ लें तो मुझे लगता है अगले 2-3 वर्षों में अधिकतम हम अपनी संस्था के ज्ञान को 5 गुना बच्चों तक, छात्र छात्राओं तक पहुँचा सकते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जो कहते हैं ज्ञान अर्जित करने का कोई समय नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता बढ़ती जा रही है, रुपए के प्रति लालच बढ़ता जा रहा है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है, वयस्क लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, रास्ता बदल ले रहे हैं। तो छात्र छात्राओं के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, मुझे लगता है कि एक ट्रेनिंग सेशंस वयस्कों का भी आवश्यक है, अपने संस्कृति के जिन चीज़ों को उन्होंने केवल सुना था या पढ़ा था या याद किया था बाल काल में, आज अपने जीवन में अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है एडल्ट लर्निंग, उनको ज्ञान की नहीं संस्कार की आवश्यकता एडल्ट्स में भी अब हो गई। आप देखिए समाज में इस प्रकार की घटनाएँ हो जाती हैं, जिनको सुन के अखबारों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से मन क्षुब्ध होता है कि इस प्रकार से समाज हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत दुख होता है, कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है कि अगर हम वयस्कों को भी जोड़ें। मैंने 2 आग्रह किए थे भाई साहब की, बड़प्पन है, उन्होंने मंच के माध्यम से भी आपके समक्ष रखा, कि हमारे चारों प्रांत में एक एक छोटा वर्चुअल सेंटर बने, ये केंद्र सबका मास्टर केंद्र है, हम फीडबैक भी ले लें वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस, उत्कृष्ट किस क्षेत्र में है। जैसे कि अभी प्राचार्य महोदय ने आपने बताया कि आपको खुद नहीं विश्वास हुआ कि मैं ये ऐसे करके पढ़ा रहा हूँ, वीडियो जब आपने देखा तो। कोचिंग सेंटर्स जो खुले हुए हैं, कोचिंग सेंटर्स में मैं अज्ञानी तो नहीं कहूँगा,
लेकिन ज्ञानी भी नहीं है। वो बच्चों से लाखों रुपए ले रहे हैं साल के, एक पैकेज बना के देते हैं, कहते हैं पैकेज है, पैकेज ले लो, ये पैकेज हो गया, तो पैकेज ले लिया तो मतलब जैसे कि कुछ हो जाएगा पैकेज लेके। वो पैकेज कुछ नहीं, मार्केटिंग है। इससे क्या हो रहा है कि बच्चों के समय का नुकसान, माता पिता के धन का नुकसान और सही शिक्षा का अभाव उनको हो पा रहा है। और जहाँ हमारे पास ज्ञान का भंडार है, हम उनको कुछ क्या इस प्रकार से भी बना के दे सकते हैं कि उन छात्र छात्राओं की भी सीधे मदद हो जाए। वो अगर हमसे नहीं भी जुड़े हैं तो एक पैकेज बना के, एक वर्चुअल पैकेज हो जाए, फिजिकल पैकेज हो जाए, बुक्स का, कई सारे कोचिंग सेंटर चलते हैं हर क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा ज्ञान के साथ साथ आगे के जीवन यापन करने के लिए एक रास्ता खोलने का भी माध्यम है। किसी न किसी को नौकरी करनी है, कुछ लोगों को बिजनेस करना होगा, कहीं ना कहीं जीवन यापन तो करना है। मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन भी आगे करना है। तो एक हम एक इस रूप में भी क्या हम कर सकते हैं। और ये भी मुझे लगता है कि एक चूंकि यहाँ पे एक उत्कृष्ट और साथ ही साथ जो ज्ञान के भंडार आप लोग हैं, आप सभी लोगों का एक समागम भी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी यहाँ पे एक हो सकता है, तो इन क्षेत्रों में भी बदलते समय के साथ, और बहुत ही मैं तो इसकी भूरी भूरी इसको मैं अनुग्रहित हूँ कि आपने कोरोना कालखंड में इस वर्चुअल लर्निंग को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया और आज हमारे पास तकनीकी रूप से हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। इस केंद्र पे हम हर रूप में सक्षम हैं। हमने अपना खुद का एक ऐप डेवलप किया और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे डेटा कोई चुरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने अपना सेंट्रलाइज सर्वर अपने देश में ही रखा है। अमूमन आप देखते होंगे अधिकतर कंपनियाँ, जो देसी कंपनियाँ, इंडियन कंपनीज भी हैं, वो अपना सर्वर स्पेस कॉस्ट कटिंग के लिए कोई सिंगापुर खरीदता है, कोई चाइना खरीदता है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में रखा हुआ है। आज की तारीख में सर्वर स्पेस रशिया या इन सब में भी खूब बिक रहा है, लेकिन हमारा सर्वर हमारे देश में ही है, पुणे में है, तो हमारा मास्टर सर्वर आपने बताया वहाँ पर रखा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है ये, हमारी एक पूंजी और एक हमारी मजबूती का भी द्योतक। और मैं अंत में आप सभी लोगों को श्रद्धापूर्वक नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। आप लोगों के मध्य मुझे आने का अवसर मिला और धन्यवाद दूंगा भाई साहब, आपने इस कार्यक्रम में मुझे आने का किया। एक और विषय था, मैंने पर्सनली आग्रह कर लिया भाई साहब से, एक ऐसा विषय था मैंने अलग से आग्रह किया जो शिक्षा और इससे संबंधित ही था। और मेरी ओर से मैं जिस प्रकार से भी कुछ पॉजिटिव करने में अपना योगदान दे सकूँ तो मैं हाजिर हूँ भाई साहब, कृपया मुझे आप आदेश करेंगे मैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जिलाधिकारी जी। हम सबके बीच डॉक्टर संदीप तिवारी जी, जहाँ उन्होंने कोरोना से संघर्ष किया, ऐसे अनेक सेवा कार्यों में भी वो अपना प्रत्यक्ष योगदान करते हैं, समय निकालकर आज हमारे मंच पर हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अपने दो शब्द हम सबके सम्मुख रखने का कष्ट करें। डॉक्टर संदीप जी, बहुत ही हर्ष का विषय है ये कि आज विद्या भारती ने एक ऐसा कदम ये उठाया है। सर्वप्रथम मैं इसीलिए रज्जू भैया केंद्र के उच्च तकनीकी सूचना संवाद केंद्र जो डेवलप किया गया है, इसके जो प्रशिक्षणकर्ता हैं, जिन लोगों ने आपको 5 दिन से इस सत्र में प्रशिक्षण दिया है, सर्वप्रथम तो वो बधाई के पात्र हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं मैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना आसान है, एंड एडल्ट लर्निंग एंड एडल्ट टीचिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट। क्योंकि हम लोग एक अपनी उम्र तक आते आते हमारे एक अपनी पढ़ाने की विधा बन चुकी होती है, हमारी अपनी एक स्टाइल बन चुकी होती है, हमारी अपनी एक सोच बन चुकी होती है, उसमें परिवर्तन लाना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि मैं एटीलियस इंडिया, जो एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट इंडिया का मैं फैकल्टी हूँ, और उसमें पूरे देश से जितने चिकित्सक हैं, सर्जन्स हैं, या जो कुछ भी आदमी उसमें सीखना चाहता है, तो उनमें मैं भी अडल्ट लर्निंग करता हूँ, तो दैट्स वाई आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़, कितना मुश्किल होता है।
इस चीज़ को बना के रखना, क्योंकि बच्चों को आप डांट सकते हैं। एडल्ट लर्निंग में और चाइल्ड लर्निंग में ये सबसे बड़ा फ़र्क है। बच्चों को आप डांट सकते हैं, उनको सिखाते समय, उनको पढ़ाते समय, वो आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन एडल्ट लर्निंग में जो एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी पड़ती है, वो ये रखनी पड़ती है कि जितने यहाँ पे लोग हैं सब शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, प्रचार्य हैं, आचार्य हैं, विद्वत जन हैं, इनका सम्मान करते हुए, इनकी किसी भी भावना को ठेस ना पहुँचाते हुए भी इन तक सूचना पहुँचाई जाए, इनको प्रशिक्षित किया जाए, तो ये एक मुश्किल कार्य है। इसके लिए जितने भी प्रशिक्षणकर्ता यहाँ पे थे, जिन्होंने आप सब लोगों को इन 5 दिनों में प्रशिक्षण दिया, वो पुनः पुनः बारंबार बधाई के पात्र हैं। मैं जब MBBS कर रहा था, मैं 1990 में यहाँ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में आया और इस संस्थान से, इस जगह से, सशस्त्र शिशु मंदिर निरानगर से 1990 से ही मेरा संपर्क भी है। मैं यहाँ बार बार आता रहा कई कार्यक्रमों में, कभी जब MBBS में थे तो कैंप लगाने जाना। और ये जो पूरा बदलाव देखा मैंने इस केशव कृपा भवन का पूरा, ये अवर्णनीय, अकल्पनीय है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना खूबसूरत, इतना सुंदर यहाँ पे कोई चीज़ डेवलप हो सकती है। सौरभ जी ने मुझे बिल्कुल कहा है 4 मिनट में बात ख़त्म करिएगा, बोलना बहुत कुछ चाहता था मैं लेकिन समय की कमी है। अब जो आखिरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग विद्वान हैं, मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, अपने अनुभव केवल आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी एडल्ट लर्निंग टीचिंग करता हूँ, जिसमें कई जगहों के, कई चिकित्सा विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्ष भी बैठे होते हैं, मुझसे उम्र में कई गुना, कई ज़्यादा बड़े भी होते हैं। लेकिन ये जो टीचिंग है, ये जो वर्चुअल टीचिंग है, जो आप कैमरे के सामने कर रहे हैं, इसके कई सारे फायदे हैं। ऐसा मत करिएगा कि केवल आप पढ़ा करके उसको भूल जाइए। और अगर ऐसा ना हो रहा हो कि पढ़ाते समय आपका भी वीडियो बन रहा हो, तो वो करें कि टीचर का, शिक्षक का भी वीडियो बने एक ठो, जो कि बच्चों के समक्ष चाहे ना जा रहा हो, बच्चों के सामने केवल प्रेजेंटेशन जा रहा हो, लेकिन उसको आप देखें बार बार जरूर। इससे क्या फायदा होगा कि आपको अपने अंदर और सुधार करने का मौका मिलेगा। आप कहाँ अटक रहे हैं, आपके क्या एक्शंस हैं पढ़ाते समय, आपके क्या मूवमेंट हैं, आप कितना इंटरैक्टिव हैं, आपकी भाषा कैसी है, इन सब में आपको बड़ा सहयोग मिलेगा अगर अपना आप वीडियो भी बार बार देखते रहें। दूसरी बात, जैसा कि तिवारी जी ने कहा था कि भाई हमने चौक और बोर्ड पे लिखा, पढ़ाया और मिटा दिया, जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि हमने क्या पढ़ाया। बाद में छात्र अगर आएगा कि साहब आपने ऐसा कहा, नहीं 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 मैंने तो ये नहीं कहा था, आप अपने वर्जन को बदल सकते हैं। लेकिन इसमें आप अपने वर्जन को बदल नहीं सकते, जो हो रहा है वो रिकॉर्डिंग के साथ में हो रहा है। तो इसलिए अगर आप कोई भी शिक्षण कार्यक्रम ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो जो भी विषय आप पढ़ा रहे हों, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हों, उसका पूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। आप पहले से अपने मन में एक छात्र बन करके, जिज्ञासु बालक बन करके ये विचार कर लें कि इस विषय पे हमसे कोई छात्र क्या प्रश्न पूछ सकता है, और उन प्रश्नों के उत्तर भी अपने मन में सोच लें। पावर पॉइंट बनाने की विधि आप सब लोगों को सिखाई गई होगी, उसमें बस ध्यान रखने की जो आवश्यकता होती है, 6x6 रूल बताया गया है कि नहीं बताया गया, 6x6 इसका अक्षरशः पालन करना है, क्योंकि अगर पावर पॉइंट में एक स्लाइड बहुत ज़्यादा क्राउडेड है तो कोई देखता नहीं है। तो कृपया ये प्रयास ना करें कि आप जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं सब कुछ स्लाइड में लिख देंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, 6x6 के नियम का पालन करते हुए और बाकी बातों को आप अपने मुखार बिंदु से उनके सामने वर्णित करें। और बाकी मैं सौरभ जी से, भास्कर जी से और यहाँ के व्यवस्थापकों से ये कहूँगा कि अगर मेरी किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता हो इस प्रकार के ट्रेनिंग सेशन में, क्योंकि मैं देता रहता हूँ इस तरह की ट्रेनिंग्स, पावर पॉइंट की ट्रेनिंग या बोलने की ट्रेनिंग या किसी भी प्रकार की, तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करता हूँ और मैं
उपलब्ध रहूँगा। पुनः एक बार विद्या भारती रज्जू भैया उच्च तकनीक सूचना संवाद केंद्र का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेरक उद्बोधन के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद। इस संपूर्ण जो केंद्र है, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की संकल्पना करने और कोरोना काल में भी इसको साकार रूप देने के साथ ही आज जो सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन हो रहा है, इस क्रियान्वयन की परिणति तक ले जाने वाले हम सब कार्यकर्ताओं को जिनकी प्रेरणा मिलती है, जो सदैव उत्साह देते हैं, ऐसे अपने अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रद्धेय यतीन से मैं आग्रह करता हूँ अपना आशीर्वाद आज के इस अवसर पर देने की कृपा करें। आदरणीय यतीन जी वैसा इस समापन सत्र के सम्मानित मुख्य अतिथि लखनऊ जनपद के बहुत ऊर्जावान जिलाधिकारी महोदय, उनका वर्णन आपने सुना होगा और जैसा उनका परिचय हुआ कि भारत के ऐसे राज्य से हैं कि वो स्वयं में ऊर्जावान राज्य है अपने देश का, और इसलिए उनके कारण से इस ज़िले के अंदर जो परिवर्तन आया है आज की वर्तमान परिस्थिति में, उसके लिए उनको मेरी बधाई है। डॉक्टर संदीप जी, जैसा उन्होंने बताया, यहाँ के लिए अपरिचित नहीं है वो, और वो संगठन के लिए भी अपरिचित नहीं है। मैं देखता हूँ कि वो सभी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। एक बात जरूर उन्होंने कही और उन्हें प्रसन्नता हुई कि मेरी अपेक्षा से भी अधिक यहाँ का सारा जो वातावरण सुंदर बना है। शिक्षा के लिए वैसे सुंदर वातावरण बहुत आवश्यक है, उसी में ज्ञान अर्जित होता है, लेकिन डॉक्टर साहब के जानकारी के लिए कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर बड़ा एक महत्वपूर्ण वाक्य है जो अपने देश के महापुरुषों ने कहा है कि यहाँ स्वर्ण मत खोज, यहाँ व्यक्ति ढलता है। और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन यही है कि यह जो व्यक्ति निर्माण का संकल्प है विद्या भारती का, इस सारे परिवर्तन में ये बना रहे। सौरभ जी की क्रियाशीलता हम सब देखते ही हैं, उनकी ऊर्जा को भी देखते हैं, उनके निस्वार्थ भाव से शिक्षा के क्षेत्र के साथ विद्या भारती के माध्यम से जुड़कर उनके अंदर जो कल्पनाशीलता है और उसको फिर मात्र कल्पना नहीं तो उसको साकार करने की जो क्षमता है अद्वितीय है, जिसके कारण से आज यह सारा स्वरूप इस केंद्र का दिखाई देता है, तथा समय समय पर जो आशीर्वाद देने आते रहते हैं ऐसे सभी हमारे वरिष्ठ महानुभाव, वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और प्रशिक्षार्थी बंधु, काफ़ी विचार आप सबके सामने व्यक्त हुए हैं। विद्या भारती जिस संकल्पना को लेकर देश में काम कर रही है उसमें महत्वपूर्ण यह है कि तीन बातों को लेकर हम काम करते हैं, और इसलिए इस डिजिटलाइजेशन में और कृत्रिम ज्ञान की दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमें बढ़ना भी है। बहुत तेज़ी से विश्व ज्ञान के क्षेत्र में बदल रहा है, इसलिए वैश्विक ज्ञान, इससे हम परिचित रहें और अपने बच्चों को कराएं। लेकिन हम तीन बातों का आग्रह करते हैं। ज्ञानात्मक दृष्टि से हम सर्वश्रेष्ठ हों,
कौशलात्मक दृष्टि से भी हम सर्वश्रेष्ठ हों, आज कौशल की बहुत चर्चा हो रही है, स्किल की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान देने के जो कौशल हैं, जिसमें ये भी आता है जिसके लिए आप प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हैं, इनमें पारंगत होना, और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए, देश के निर्माण के लिए, वह है भावात्मक पक्ष। इसलिए सारे बदलते परिवेश में ये जो भाव पक्ष है, जो संवेदना है मनुष्य की, यह भी हमको ज्ञान रहे कि हमको भावात्मक दृष्टि से को ध्यान में लेकर, ज्ञान की संपूर्ण विधाओं को साथ लेकर, और उसकी जो जो भी कुशलताएं उनको अर्जित करते हुए एक हमको भारत के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना है। और इसलिए ये जो कृत्रिम ज्ञान है, आर्टिफिशियल नॉलेज, जिसे आज बड़ी चर्चा है, इसके लोग बड़े भयावह चित्र भी प्रस्तुत कर रहे हैं आगे इसका क्या होगा, लेकिन अभी तो इसमें बढ़ना ही है। इसलिए उस दृष्टि को ध्यान में लेकर, संगठन के विचार और उद्देश्य को लेकर हम सब यहाँ से जाएं, आप सब प्रशिक्षण के लिए आएँ, अंतिम सत्र है ये। और इसलिए मेरे कुछ आग्रह हैं कि एक तो आचार्यत्व बना रहे हमारा सबका, वर्तमान में आचार्यत्व, मैं कई बार कहता हूँ कि आज शिक्षा जगत में आचार्यत्व की रक्षा करना ठीक उसी प्रकार से है जैसे सतीत्व की रक्षा करना। आज शिक्षक इतना अविश्वास की शिकार हो गया है, बच्चे उस पर अविश्वास करते हैं, समाज उस पर अविश्वास करता है, प्रबंधन उस पर अविश्वास करता है, शासन उन पर अविश्वास करता है, और इसलिए यह जो एक शिक्षा क्षेत्र के अंदर, शिक्षा जगत के अंदर अविश्वास का वातावरण है, इस अविश्वास के वातावरण से एक श्रेष्ठ शिक्षक का जीवन ये हमारा बना रहे सारी विधा के साथ, ये मेरा आग्रह है। दूसरा जो ज्ञान है, ये आज उत्कृष्ट ज्ञान देने की बहुत चर्चा है। मैं एक बार नागालैंड के प्रवास पर था, दीमापुर के पास हमारे एक आवासीय विद्यालय चलता है, डिमासा जनजाति में चलता है, बहुत अच्छा विद्यालय है। जब मैं वहाँ गया तो बच्चों की माताओं को पता लगा तो शाम को मिलने आई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बड़ा खुलापन है सारे वातावरण में, तो जो माताएं मिलने आई तो उन्होंने मुझसे कहा, नागालैंड के अंदर एक बहुत दिवासा जनजाति के गांव की महिलाएं मिलने आई, वो कह रही कि विद्यालय को आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ खड़ा कराइए। तो ये जो क्वालिटी शब्द है ये बड़ा चर्चा में देश के आया है, यह क्वालिटी लेकर हम चलें, इसके लिए सारा प्रशिक्षण यहाँ हुआ है, हम उसमें पिछड़े नहीं। जहाँ तक कोचिंग की चर्चा हुई है, वैसे विद्या भारती ट्यूशन और कोचिंग के बहुत पक्ष में नहीं है, लेकिन वायुमंडल बना है देश के अंदर कोचिंग का, लेकिन हम सब कोचिंग के सारे वातावरण को जानते हैं, पहचानते हैं। मैं कोटा गया एक बार, एक परिवार में रुका हुआ था, हमारे अध्यक्ष थे, प्रोफेसर रहे वो, तो एक वहाँ कोचिंग सेंटर चलता है, सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, बंसल बंधु उसे चलाते हैं। वहाँ वो लेक्चरर था, केमिस्ट्री का अच्छा कार्यकर्ता था, वो मिलने के लिए मुझसे आया, तो मैंने कहा कि तुम्हारा क्या है, जैसा अपने जिलाधीश महोदय ने बताया कि भाई धन का बड़ा वातावरण बना हुआ है, तो उसने कहा कि मैंने कहा तुम्हारा पैकेज कितने का है, उसने कहा 12 लाख का पैकेज है मेरा, नहीं नहीं लगा था वहाँ, अधिकतम पैकेज कोचिंग में कितना है, बोले 1 करोड़ रुपये तक का कोचिंग पैकेज है। लेकिन उसने कहा कि भाई साहब मेरा सारा पारिवारिक सामाजिक जीवन ये समाप्त हो गया है, मैं परिवार को भी समय नहीं दे पाता, ये स्थिति है वो, और इसलिए वहाँ डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं कोटा के अंदर। कोटा ही सबसे बड़ा सेंटर है, बाकी बहुत भी सेंटर हैं देश के अंदर, और इसलिए उसने सुनाया कि जो कोचिंग सेंटर है बंसल का, कई हज़ार बच्चे वहाँ कोचिंग प्राप्त करते हैं, उसने कहा कि अगर ये बच्चे थोड़ी सी इनको स्किल मिल जाए, थोड़ी सी अगर इनको एक जानकारी मिल जाए, तो ये इस स्तर के बच्चों को लेते हैं कि ये घर पर ही रहकर ये सारे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं।
और इसलिए हम अपने विद्यालयों का वातावरण उसी प्रकार का बनाएं। यहाँ से भी प्रयत्न ये सौरभ जी करेंगे ही, सब प्रकार के कोचिंग की व्यवस्था, क्योंकि ये सेंटर जो खड़ा किया है एक देश के अंदर उदाहरण बन के खड़ा हो, फिर सारे देश के अंदर कैसे इस विषय को और आगे ले जा सकते हैं हम, इसका प्रयत्न हम करेंगे। और इसलिए उसने कहा कि एक बच्चे को यहाँ किसी कारण से मृत्यु हो गई, लेकिन कोचिंग में एक मिनट का भी समय उस बच्चे की संवेदना के लिए कोचिंग में नहीं दिया गया। हम ये सावधानी रखें कि इस प्रकार की संवेदनाहीन जिंदगी निर्माण हो रही है, ये संवेदनहीन जिंदगी अगर निर्माण देश के अंदर हुई तो समाज जीवन बहुत व्याधियों से व्याप्त हो जाएगा। इन सावधानियों को लेकर यह जो नए सारे परिवेश में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस नए प्रवेश को समझते हुए हम अपने विद्यालयों का एक अच्छा उत्कृष्ट वातावरण बनाएं, एक अच्छा वायुमंडल बनाएं, और जैसा हम संकल्प लेकर चले हैं कि हम किसी व्यवसाय के लिए काम नहीं करते, इस देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, इस समाज की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए, संपूर्ण मानवता की सेवा के लिए ही हम इस सारे काम कुछ करते हैं। यह भाव निस्वार्थता का, समाज के संवेदनाओं का, ये हम सब कार्यकर्ताओं में आचार इस श्रांत से बना रहे, चूँकि आचार ही भावना युक्त जीवन निर्माण करता है बच्चे का। उस भावना को लेकर ये जो वर्तमान का सारा आपका प्रशिक्षण हुआ है, मेरा विश्वास है कि यहाँ सारा जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया चली है उसका अपने विद्यालय को पर्याप्त लाभ आप दिलवा पाएंगे, और यहाँ से भी समय समय पर प्रशिक्षण चलता ही रहेगा। उस निवेदन के साथ पुनः मैं आप सब कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूँगा कि विद्या भारती जिन विशेषताओं को लेकर इस देश के अंदर काम करती है, उन विशेषताओं को बनाए रखते हुए, वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में लेते हुए, यह सारे शिक्षण की जो विधा विकसित हो रही है, इस शिक्षण की विधा में भी हम न पिछड़ते हुए देश के अंदर एक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आचार्य बने, इतना आग्रह है।